कोरोना वायरस ने जहां मुल्क भर को अपनी लपेट में लिया है, वहां एक खास तबका भी इसकी जद में आया है, जिसका मुकम्मल दारोमदार उसके दिन भर की मेहनत और जो मेहनत मजदूरी है उस पर होता है। केटीएस वेलफेयर जो सोसाइटी है, एक नौजवानों का एक मजबूत एक काफला है, एक कारवान है, जो हर मुश्किल वक्त में अपने केटीएस में रहने वाले जो हमारे मेहनतकश हैं या जरूरतमंद अफराद हैं, उनकी मदद में गाहे बगाहे आपको नजर आता है। इस बार भी एक ऐसी एक काविश का स्टार्ट लिया गया है, एक उसकी एक सोच रखी गई है कि ऐसे जो लोग हमारे केटीएस में बसते हैं, जो डेली की कमाई करते हैं या दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनके लिए किसी तरह से एक पैकेज का अनाउंस किया जाए, उनके लिए एक कंट्रीब्यूशन दी जाए। और मुल्क भर में जो इस वक्त एक सूरत हाल है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव्स हैं, जिसकी वजह से कारोबारी तबका इसकी जद में आया है और कारोबारी तबके ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, काम रुक चुका है, और इन लोगों की मदद करना इस वक्त वक्त की सबसे अहम जरूरत है। इस सिलसिले में केटीएस वेलफेयर सोसाइटी ने इस बात का तहिया किया है कि क्यों ना इन लोगों की मदद की जाए, इस टाइम इस मुश्किल टाइम में उनका सहारा बना जाए और उनको कंट्रीब्यूट किया जाए कि वो भी अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो आम बंदे की तरह गुजार सके। ऐसे सफेदपोश अफराद जो आपके मोहल्ले में, आपकी गली में या आपके हमसायों में रहते हैं, इस वक्त उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का वक्त है। इसमें उनकी सफेदपोशी में उनकी मदद करने का वक्त है। इस वक्त उनको आपकी जरूरत है। आइए क्यों इस काफले का हिस्सा बने और अपने तौर पे पहले ये कोशिश करें कि आप अपने तौर पे उनकी मदद करें, ताकि किसी और के सामने उनकी जाग रसाई ना हो, ताकि उनका मजाक ना बने मुआशरे में। अगर आप समझते हैं कि केटीएस वेलफेयर ये काम सही तरीके से कर रहा है, तो अब खुदारा केटीएस के साथ आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, केटीएस वेलफेयर के साथ वो आप करें, ताकि वो उन लोगों तक आपकी इमानत पहुंचाए जो डिजर्व करते हैं और एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। इस वक्त इन लोगों को आपकी खासी जरूरत है और आज जो आप करेंगे इसका सिला आपको खुदा की जात दे सकती है। मुश्किल के इस वक्त में दिल खोल कर इन लोगों की मदद करें और केटीएस वेलफेयर का आप सहारा बने और उन उन तमाम लोगों तक ये कंट्रीब्यूशन अपनी पहुंचाएं जो ये डिजर्व करते हैं। बहुत शुक्रिया।